सख्त बुलवाया, कुछ लोग तो जग ही रहे जैसा थोड़ा। अरे भैया सुबह देखेंगे, साथियों आप सभी देख सकते हैं कि इस समय रात्रि के 3 बज रहे हैं और 3 बजे भी हमारे जो साथी हैं आप सभी के भविष्य के लिए धरने में बैठे हैं और मच्छर इतना बेजोड़ से काट रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बगल में लाइटें जल रही हैं, उधर लाइटें जल रही हैं, लेकिन प्रशासन ने हम लोगों की लाइटों को भी काट दिया है। आप देख सकते हो कि 3 बजे रात्रि में भी आपके भविष्य के लिए हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं। हम लोगों का आवाज गला सब बैठ चुका है, बावजूद तबीयत खराब है। रात्रि में आप देख सकते हो कि हल्का फुल्का भोजन लेकर के यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं। 6 तारीख को महाधरना रखा गया है, उसमें आप लोगों को सबको आना है। इलाहाबाद में जितने भी साथी हैं आप लोगों से मैं भारी से भारी संख्या में, उसमें किसी को संकोच नहीं करना है, ठीक है। आइए मैं अपने साथियों से आपको बात कराता हूँ। साथियों बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। बिल्कुल भैया, हम यहाँ आज लगातार 3री रात है हम लोग का जागते हुए, हम लोग आप सबके इंतजार में हैं कि आप लोग आइए और हमारी आवाज को बुलंद करिए। हम यहाँ चंद 10-12 भाई लोग बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग साथ आएंगे। ये लड़ाई ये हम 10-12-15-20 लोगों की नहीं है, ये पूरे 8 लाख डीलर प्रशिक्षुओं की है। 8 लाख प्रशिक्षु, हम लोग जो है पागल नहीं है, रात में आके यहाँ मच्छर काट रहे हैं। हम लोग का घर परिवार है, अच्छे फैमिली से आते हैं, यहाँ फुटपाथ पे सोने का शौक नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग कितना दिन बैठेंगे यहाँ पे। डीएलएड के उत्तर प्रदेश में जितने कॉलेज हैं, अगर हर एक कॉलेज से एक एक स्टूडेंट आने लग जाए तो यहाँ हजारों की संख्या में स्टूडेंट इकट्ठा हो जाएंगे। अब आप बताइए कि आपका क्या, आप भर्ती नहीं लेंगे? अगर हमारा भर्ती आएगी हम परेशान हैं। विशु भैया यहाँ बैठे हैं, अब ये बताइए रात में क्या ये 4 सीट लेंगे? शिक्षक भर्ती आएगी तो ये भी तो एक ही सीट लेंगे। और आप जो है वहाँ जो बैठ के लाइब्रेरी में कोचिंगों में संस्थानों में पढ़ रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तक कि आपको अपनी योग्यता साबित करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप लोग आइए यहाँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने 2 साल डीएलएड में दिया है, मैं आपसे विशु भैया रजत भैया आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 2 दिन मात्र 2 दिन आप गिरजाघर प्रयागराज में आ जाइए। यकीन मानिए 3रे दिन आयोग का गठन हो जाएगा, यूपी टेट भी होगा, सुपर टेट भी होगा, लेकिन आप मात्र 2 दिन अगर दे सकते हैं, जितने भी प्रयागराज के ही जितने भी स्टूडेंट हैं जो डीएलएड किए हुए हैं टेट सीटेट पास हैं, मैं उनसे यही आग्रह करता हूं कि आप 2 दिन सिर्फ और सिर्फ 2 दिन डीएलएड के नाम यहां रजत भैया विशु भैया के नाम दे दीजिए। यकीन मानिए सरकार ना झुक जाए तो आप बताइएगा। सरकार हम लोग सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि हम लोग कभी एकत्रित नहीं हो सकते, लेकिन हम लोगों को उनके उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और हम लोगों को साथ में आके खड़े होना है और अपने संख्या बल को दिखाना है उनको, तभी वो लोग जो तभी सरकार हम लोगों की सुनेगी। और ऐसे हम लोग 10-12 लोग यहाँ बैठ के रात में मच्छर कटवा के सुबह हो जाएगी सब ऐसे हो जाएगा तो ऐसे भर्ती नहीं आने वाली है। आप लोगों को भर्ती चाहिए, अगर आप अपने भविष्य के प्रति थोड़ा सा भी संवेदनशील है तो आप लोग निकलिए कमरे से, आना पड़ेगा आपको, आना पड़ेगा, आप लोग आइए, ये नहीं है, आप लोग आइए कम से कम, अगर आप नहीं रात रुक सकते हैं तो कम से कम 6 बजे तक यहाँ आके धरना दीजिए, रुकिए शाम तक। और दोस्तों देखिए कि सभी हमारे मित्रगण बैठे हैं, रात भर पूरी रात भर जगे हुए हैं, ये देखिए सभी रात के 3 बज रहे हैं, पूरा हाथ पैर में इतना मच्छर काटे हुए हैं, पूरा हाथ पैर फूल गए हैं, समझ लीजिए हाथ पैर खुजला रहे हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं, पूरी रात भर जागे हुए हैं। भैया आप कहाँ से? प्रताप, ये भैया प्रतापगढ़ से हैं, ये देखिए कुछ आपसे कहना चाहते हैं। तो लोग हम लोग अकेले यहाँ बली, हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि सर हमारे जो है हमारे जो बैठे हुए हैं सभी प्रशिक्षु
इन लोग का दर्द समझिए। और ये लोग अकेले ही 10-10 सीट नहीं लेंगे, ओनली एक ही सीट लेंगे। आप लोगों के लिए जब इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सहयोग बनता है ना आपका सर? सर आपका सहयोग बनता है, और ये बनता है बहुत से कि जो है आप जो कुछ योगदान कीजिए। अरे कम से कम आप आइए, कुछ लोगों को जो है बताइए कि चल रहा है वहाँ, कुछ उन लोगों का सजेशन लीजिए, दीजिए, उसके बाद उनको भी लेकर आइए, बताइए कि यहाँ जो है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए जो है धरना चल रहा है, तो जो आना पड़ेगा ना, और हम अपने तभी तो कुछ होगा हर जिले के। और ये सरकार बहुत जो है कट्टर सरकार है सर, कट्टर सरकार, हम क्या बताएं आपको। जो है लाइट की व्यवस्था जो है उड़ा दी, जब से देखी जो है यहाँ लोग हम आए हैं तो लाइट की व्यवस्था उड़ा दी, यहाँ तक लैट्रिन शौचालय मार चुके हैं यहाँ पे। प्रशासन से फिर खुलवाया गया शौचालय में, उसका भी पानी भी नहीं है सर। ये किसी की चाल नहीं है, सरकार की चाल है सर। बहने हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो आप भी आइए, आप भी आइए, अपने हक के लिए लड़िए, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। मैं भलीभांति जानते हैं। भैया से कुछ बोले हैं अपने बारे में? भैया चित्रकूट से हैं। चित्रकूट से हूँ, मेरा नाम कृष्ण कुमार कुशवाहा है, मैं गाजीपुर से बीटीसी किया हूँ। और साथियों से निवेदन करता हूँ कि डीएलएड के जो भी प्रशिक्षु है, 2017 बैच, 18 बैच, 2019 बैच, जो भी प्रशिक्षु इलाहाबाद में है या घरों पे बैठे हुए हैं, 6 तारीख को महाधरने के आह्वान किया है। विशु भाई है हमारे रजत भाई अध्यक्ष, उन्होंने आह्वान किया है सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या को यहाँ पे एकत्रित करना है गिरिजाघर प्रयागराज में। आप संख्या दिखाएंगे तभी कुछ होने वाला है, नहीं हम ही लोगों को 1-2-10 लोग रहेंगे यहाँ, कुछ होने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारी आप सभी लोगों के साथ से ही हमारी आवाज बुलंद हो सकती है। आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 6 तारीख को महाधरना का आयोजन किया गया है। आप अपने साथियों को, 4-6 साथियों को और साथ में लेकर के देखें। जैसे माताएं बहने माले आपकी बहने नहीं आ सकती हैं रात के समय, तो कम से कम दिन के समय 2-4 घंटे 6 घंटे के लिए टाइम दे जरूर दें। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के जो प्रदेश महामंत्री बने हुए हैं दिलेट परिवार के, रोहित भैया को कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आप 2 अक्टूबर से धरना चल रहा है, वो एक भी दिन यहाँ दिखे नहीं महाधरने। 6 तारीख से आह्वान करेंगे कि पूरी टीम को अपने प्रशिक्षुओं को लेकर आए। तो साथियों आपने आइए बैठिए आप। तो साथियों आप लोगों ने हमारे भाइयों की बातें आपने सुनी। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि रात के 3 बजे हम लोग यहां पे लाइव आए हैं। आप देखे होंगे कि सुबह से यही कपड़ा पहन के हम लोग दिन भर जगे, रात भर जगे, सिर्फ चाय पी करके रात में इधर खाना खाने के बाद मच्छर इतना यहाँ पे काट रहे हैं कि हालत खराब हो चुकी है, नींद तक नहीं आ रही है। और अगर आप लोगों ने 6 तारीख को साथ नहीं दिया तो फिर भविष्य में अगर आंदोलन तो नहीं हम लोग करेंगे, तो समझ ही लीजिएगा आप लोग। 6 तारीख को ये पूरा जितना बड़ा ये पत्थर गिरजाघर का पूरा फील्ड है, पूरा का पूरा भर जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग अपना जोश दिखाएंगे। जितने लोग लाइव देख रहे हो, आप लोग घर पे बैठे हो ना, आप लोग नहीं समझ सकते हम लोग की भावनाओं को, हम लोग बोल नहीं सकते चीजों को, लेकिन आप लोग वीडियो को सुबह पहुंचा देना। हम जानते हैं कि इस टाइम कुछ ही लोग आप लोग जगे हो, लेकिन सुबह तक वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो पहुंचेगी। अन्य साथियों तक पहुंचाना आपका फर्ज है, कैसे पहुंचाना है। और मैं पूरे हक से कहता हूं, इलाहाबाद के जितने साथी हो, 6 तारीख को ये पूरा भर देना पूरा। अगर चाहते हो कि तुम्हारे भाई कुछ बड़ा करें तो हमें संख्या बल चाहिए। बिना संख्या बल या हम लोग 50-100 संख्या बल लेकर क्या करेंगे, आप बताओ? कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए ज्यादा जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या रहेगी उतना हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा और हम किसी को दबाव बना सकेंगे। जो भी अधिकारी आएगा यहाँ, एडीएम आते हैं, महादेव निदेशक कोई भी आएगा, तो हम उसका दबाव बना सकेंगे उतना ज्यादा। देखिए ये भैया है, जैसे हम लोग यहाँ पे, मैं कौशाम्बी से हूँ, कौशाम्बी से महोबा वाले भैया थोड़ा सा बात करें। मैं कौशाम्बी के प्रशिक्षुओं को ये चीज बताना, जो भी प्रशिक्षु ऑनलाइन है, लाइव में है, वो एक बार जरूर इस चीज को सोचे और प्रशिक्षु कौशाम्बी का जरूर एक बार यहाँ धरने में आके या समर्थन दे। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अभी कौशाम्बी वाले सब सो रहे हैं, जागो, अभी नहीं जागोगे तो फिर 2 साल तक नहीं जागोगे। भैया दिन में, जैसे कि इनका ये है कि दिन में इनकी कोचिंग रहती है, इन्होंने कहा कि हम पूरी रात रहेंगे,
दिन में इनका कोचिंग में पढ़ाई करने के बाद रात्रि में आ करके हमको दिन के भी मौका मिलता है तो हम दिन में भी रहते हैं और कोचिंग अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ पे पूरी रात हमारे साथ जगते हैं। वीडियो के माध्यम से देखा भी होगा, हम दिन में भी सहयोग करते हैं, जितना भी टाइम मिलता है हम लोगों को उतना आते हैं। और मैं महोबा के एक छात्र साथी है हमारे नाम हाँ बोलिए जी। मैं साथियों को बताना चाहता हूँ कि महोबा बांदा के जितने भी साथी हैं नेलखंड क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र के अभी कोई साथी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो लोग जरूर आए 6 तारीख को, रुक कल ही आ जाएं। रुकने की कोई व्यवस्था हर चीज की आपकी पूरी व्यवस्था मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग इनको देखिए ना, खाने से पीने से लेकर हर चीज की सुविधा यहाँ पर, बस आप आइए, बस आप आइए, केवल आपको यहाँ पर जनसंख्या इकट्ठा करना है, अपने दोस्त 4-6 साथियों को लेकर आइए, खिलाया जाएगा, जो पानी है वही, जो हमारे नारा लगाइए, नारा लगाइए, जो हमारे पास है वो जिंदाबाद जिंदाबाद। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। हम लोग लाइट ऑन कर लीजिए एक बार अपने मोबाइल का, भैया इसको ना शॉर्ट वीडियो बनाना ताकि इसको अपलोड करना सोशल मीडिया पे वायरल हो। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। अपने नेता मंत्री विधायक कोचिंग संचालक जो बड़े बड़े उनको बताओ कि जो नई शिक्षक भर्ती के लिए हमारे साथी 3 बजे रात में भी यहाँ बैठे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तुमको यहाँ से तुम्हारे जो संचालक है ना इलाहाबाद के बड़े बड़े जो नियुक्ति पत्र मुक्ति पत्र बांटते हैं ना, 1 किलोमीटर पे हैं, लेकिन अभी तक उनको शर्म तक नहीं आई कि मिलने तक नहीं आए। तो अपने कोचिंग संचालकों को हम लोग का वीडियो भेजो, बोलो कि अगर हम लोगों के पैसे से तुम अरबपति बने हो, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हो, तो अगर हम लोग के तुम सही में शुभचिंतक हो तो यहाँ धरने में आओ, तुम कुछ मत दो, तुमसे हम लोग कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ धरने में आकर के सिर्फ बैठो, हौसला अफजाई करो, अपने चैनल पे हम लोग का धरना चलाओ और बोलो कि 6 तारीख को महाधरना है। इस प्रकार से दिल्ली की कोचिंगें SSC की कोई भी भर्ती के लिए लाइव आकर के डरते नहीं है, उस सब सरकार से ट्विटर अभियान करते हैं, कोई भी आंदोलन था उसे समर्थन करते हैं। इसी प्रकार आप सब भी, हाँ जितने भी प्रयागराज की बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, नई शिक्षक भर्ती की और भी जो उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि जब से हम लोगों ने धरना शुरू किया है ये कोचिंग संचालकों ने अलग ही ट्रेन चला दिया कि भर्ती आने लगी, भर्ती आने लगी, सिर्फ प्रोपेगेंडा है, कोई भर्ती भी नहीं आ रही है। अभी तक आयोग ही नहीं गठित हुआ, अभी आयोग ही गठित नहीं हुआ ढंग से पूरा भर्ती लाने लिए, उन सबको तुरंत जो लोग भी वहाँ पढ़ रहे हो तुरंत विरोध करो। ये लोग भ्रमित कर रहे हैं आपसे जो है बैच को खरीदने के लिए, ये सब भ्रामक जो है फैसला जो है सुना रहे हैं न्यूज, अभी भर्ती वर्ती कोई नहीं आई है। अगर आप ये लोग चक्कर में पड़ेंगे 100% है, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो वैकेंसी 100% नहीं आएगी, ये आप लिख के ले लीजिए। पहले योगी जी के द्वारा सभी विभागों में जो राज्य सरकार के सारे विभाग हैं उसमें रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था, लेकिन उसमें से आपके जो है पुलिस भर्ती और भी अन्य विभागों ने अपने यहाँ रिक्त पदों का डाटा दिया, लेकिन बेसिक विभाग जो है एक निकम्मा विभाग जिसको कहते हैं उसने कोई डाटा ही नहीं दिया कि हमारे यहाँ कितने पद रिक्त हैं, कितने कुछ नहीं, खाली पेपरी जुमलाबाजी चल रही है। यही कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो आप लोग, आप कोचिंगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए, संख्या बल दो, बाकी ये जितने हैं इन सबको सबक सिखाया जाएगा, जितने बैठ के एसी में 5 साल से मुख्यमंत्री जी को गुमराह किए अधिकारी, सबको सबक सिखाया जाएगा, बस तुम संख्या बल दो, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। लेकिन आप इतने लोगों को लेके आप चाहते हो कि आप सरकार से 1 लाख भर्ती ले लोगे, कभी नहीं, संख्या बल दो। अरे यार इलाहाबाद वालों, तुम्हारे जिले में आए हैं यार, तुम्हारे रूम के बगल में धरना हो रहा है, तुम्हारे लखनऊ होता तो हम चलो ठीक है एक बार मान लेते, इसको नीचे रखिए। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के यहाँ पे आओ यार, इलाहाबाद वालों से मेरे विनम्र निवेदन है सर, आप तो आइए, जो है आपके बगल में धरना चल रहा है, कहीं नहीं तो आप तो आइए, कोई मान लो जिला दूर दूर से नहीं आ रहे हैं, आपको तो आना आवश्यक है।
देखिए पीछे देखिए हमारे कोई साथियों को टाइफाइड हो गया है, देखिए लोग लेटे हुए हैं, इन लोग की हालत खराब है, इन लोग की हालत खराब है। आप इन लोग ये वीडियो पहुंचाइए साथियों, हम लोग ये सब चीजें बताना पड़ रहा, हम नहीं बताना चाहते सब चीजें। लाइक भी नहीं, जाने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं सुबह से यही हूँ, पूरा दिन नहीं सोया हूँ, पूरी रात नहीं सोया हूँ, मैं यही पे हूँ। ये बताइए सुबह से आप लोग आए, हम घर गए साथियों। आप लोग समझिए, हम लोग अगर ये सब न भी करते ना, इतना सक्षम परिवार से है कि नौकरी न भी मिले तो बिजनेस खोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ये है कि हम ये जो डीएलएड परिवार और ये नई शिक्षक भर्ती की जो लड़ाई, ये सम्मान की लड़ाई हमारे है। इसके लिए हम लोगों ने 5 साल समय दिया है, इसके लिए हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है, इसलिए इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते। साथियों आपसे अपील कर रहे हैं हम लोग, देखिए हम लोग का सर दर्द कर रहा है, हम लोग सोए नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग जब भी देखना, अन्य साथियों तक शेयर करना, अपने YouTube चैनल से, फिर टेलीग्राम, WhatsApp ग्रुप, हर जगह आप शेयर करो, अन्य साथियों को जोड़ो। देखो आप लोग सिर्फ कम लोग अभी जुड़े हो अपने घरों पे, बाकी लोग सो रहे हैं। इन भाइयों की नींद नहीं आ रही है। देखिए सर मच्छर काट रहा है, कैसे नींद आएगी? मच्छर काट रहा है, फिर लाइट ऑफ कर दीजिए प्रशासन के द्वारा। आजमगढ़ के हैं, गाजीपुर से हैं। मैं एक और कहना चाहता हूँ, मैं गाजीपुर से BTC किया हूँ। जो गाजीपुर के जो भी छात्र हैं, डायट के हैं, जो भी हमारे विद्यालय में छात्र रहे हुए हमारे सहपाठी, कृपया कुछ लोग तो इलाहाबाद में रहते हैं तो वो रूम से नहीं निकल रहे हैं, और कुछ लोग हमारे अपने घरों पे बैठे हुए कि जब विज्ञापन निकलेगा तभी जाएंगे, तो ऐसे विज्ञापन निकलने वाला नहीं है। जब तक आप घरों से नहीं निकलेंगे तब विज्ञापन नहीं निकलेगा। देखो साथियों, अगर अपनी अपना दुख रहेगा, हम लोग गाने नहीं यहाँ पे आए हैं, ठीक है? बस इतना समझिए कि आपकी जरूरत है यहाँ पे, कोई फालतू का शौक नहीं लगा किसी को यहाँ बैठने का, सब अच्छे परिवार से यहाँ पे है। लेकिन जरूरत सबको, दो साल सो नहीं जागोगे ना, अगर निजीकरण हो गया, निजीकरण हो गया तो वही क्या, अगर निजीकरण हो गया ना तो फिर जैसे अग्निवीर वाले लोग रोड पे आके देख लीजिए, देख लो वो लोग निकले, मच्छर देखो उड़ रहे हैं, देखो तब गाड़ी छूट चुकी थी, तब जो है वो सैनिक से ना अग्निवीर बन चुके थे, वही काम वो पहले किए होते ना तो ये दिन ना देखना पड़ता। हम लोग को भी शिक्षक वीर बना दिया जाएगा। आप भरोसा रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, भरोसा रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, ये ना सोचिए कि धरना में क्या होगा क्या नहीं होगा, दो दिन धरना दे लेंगे क्या होगा, आएगी वैकेंसी आएगी, एक बड़ी संख्या में आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। अगर नहीं आएंगे तो ये 100% है, कुछ नहीं होगा। जो लोग कुछ लोग हैं जो 5 साल से सिलेबस जो है तैयार कर रहे हैं और अब तक नहीं कर पाए हैं, भैया आपको भर्ती आने के बाद भी 2-3 महीने आराम से समय मिलेगा, आप अपना सिलेबस खूब आराम से तैयार करिएगा, और आप जब भर्ती ही नहीं आएगी तो आप कितना दिन सिलेबस तैयार करोगे? मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों से, मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों से, पूरे प्रदेश में 8-10 लाख अभ्यर्थी हैं डीएलएड प्रशिक्षु, मात्र 5% पेपर देने के लिए, मात्र 5% कहां कहां चले जाओगे, मात्र 5% अगर धरना स्थल पर आ गए ना, 5% जानते होंगे लगभग 10-12 हजार होता है। आप जो है 5 साल से जो वेट कर रहे हैं भर्ती का, मात्र आप 5% आ जाइए, 5 साल नहीं 5 दिन के अंदर जो है विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, 5% आ जाइए आप। एक बार आप लोग निकलिए तो सही, देखिए इन साथियों का गुस्सा जायज है। ये देख लो यार साथियों, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, यहाँ पे हम लोग मोबाइल तक नहीं। एक बार आप लोग अपना जो मांग है आप लोग बोल दीजिए, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, जारी करो, जारी करो। साथियों आप सभी देख सकते हो कि यहाँ इधर बगल में लाइटें हैं, लेकिन हम लोग के धरना स्थल की लाइटें काट दी गई हैं। हमारे भैया हैं कौशाम्बी से, भैया से मैं कहूँगा कि अपने जिले के लोगों के लिए आप कुछ संदेश दे दीजिए। मैं सभी जिले के जो भी अध्यक्ष हैं उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो लोग जो संगठन बनाए हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रशिक्षुओं को, ग्रुप तो बनाए ही हैं, तो ग्रुप में मैसेज को मैसेज भेजें और सब तक मैसेज ये पहुंचाएं कि 6 तारीख को महाधरना किया गया है नई शिक्षक भर्ती के लिए,
तो आप लोग सभी लोग 6 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत, जितनी ज्यादा संख्या रहेगी उतना हम लोग दबाव बना पाएंगे। अभी भी हम लोग दबाव बराबर बन रहा है, आप आगे चल के जितना संख्या रहेगी उतनी हम दबाव बना पाएंगे। आप सभी लोग जितना जो भी साथी हैं, और रही बात जो ये सोच रहे हैं कि वहाँ जाएंगे रुकेंगे कैसे, खाएंगे क्या, तो वहाँ यहाँ हम लोग सब सुविधा दे रहे हैं, केवल आपको यहाँ पर आना है और समय देना है अपना। अगर अभी समय नहीं दोगे, 2-3 दिन का समय अगर तुम लोग नहीं दे सकते तो 2-3 साल तक सोओगे, 27 तक आप लोग को कोई नहीं जगाने वाला है। तो इसलिए मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूँ, सभी भाइयों से बहनों से, कि आप लोग अभी जागो, और जितने भी जिला अध्यक्ष बने हुए हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा संगठन जो बनाए हुए हैं उन लोग ग्रुप में मैसेज डालें, और वो सभी लोग 6 तारीख को महाधरना आयोजन में शामिल हों और सभी का मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम शिक्षक भर्ती को संपन्न करा सकें। अगर आप लोग, मैं यही चीज कह रहा हूँ, बार बार भी कह रहा हूँ, आप लोग से विनम्र निवेदन है, हमारे मनोबल को आप लोग घटाएं नहीं। अगर आप लोग 2-4 लोग भी यहाँ आ जाते हैं ना, तो हम लोग का मनोबल बहुत बढ़ जाता है। ये होता है कि यार चलो आप, हम लोग अपनी सफलता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, मैं कौशाम्बी से हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। आप सभी लोग को मेरे तरफ से जो भी अगर मैंने गलत किया हो, गलत कहा हो, तो आप सभी लोग उसके लिए माफी चाहता हूं। धन्यवाद। यहां पे बड़े भाई हैं और काफी हम लोग का सपोर्ट करते हैं यहां पे धरने में। साथियों, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, यहां पे प्रशासन हम लोग की मदद के लिए, आप देख सकते हैं कि यहां पे 24 घंटे ये हम लोग की सुरक्षा, हम लोग की सेवा में यहां पे बहुत मदद करते हैं प्रशासन, इन लोगों को दिल से धन्यवाद मैं करता हूं। और आपसे मैं अपील करता हूं कि वीडियो को ना साथियों आप पहुंचाओ। देखो, जब लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं तो मन से जब मैदान में आया गया है तो आप लोग उसको सपोर्ट करिए, ठीक है। अगर उम्मीद ना होती तो हम लोग को शौक नहीं है यहाँ पे बैठने की। इतने रात में देख रहे हो आप लोग कि मैं 24 घंटे से यार यहीं पर जगा हूँ, मैं भी चाहता तो अपना रूम पर बैठ के आराम से सब कुछ, लेकिन आप लोग का इतना दबाव बनने लगा कि मैदान में सबको आना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के कहने पे हम लोग कोई कदम उठा रहे हैं आपके लिए, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग का फर्ज बनता है। और स्पेशली इलाहाबाद के साथियों से, इलाहाबाद में इतनी संख्या है ना आपकी, जो लोग जुड़े एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग देखिए कि इतनी रात में भी यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिन में आंदोलन, ऐसा जिनको लगता होगा कि नहीं सिर्फ दिन में होता है, ऐसा नहीं भाई, दिन रात आंदोलन यहाँ पे चल रहा है। प्रशासन भी देखो यहाँ पे, यहीं पे है प्रशासन भी, यहाँ पे हम लोग का साथ दे रही है। और चूंकि आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ से ये दबाव बनने लगा और हम लोग की लाइटें कटवा दी गई हैं, यहाँ तक उजाला है, इधर उजाला है। अब देखो ये वाली लाइट बंद कर दी गई है जहाँ पे हम लोग का धरना चल रहा है, उधर पूरा अंधेरा है, हमारे साथी उधर सो रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही, मच्छर काटने से अभी तक बैठे हुए हैं मेरे साथी। अभी उनसे आपने बात किया, अभी मैंने बात भी कराया था साथियों, एकदम तबीयत ठीक नहीं है। बस इतना जानो कि आप लोग साथ दोगे तो आगे 8 तारीख को राष्ट्रपति महोदय आ रही है, हम लोग का कुछ प्लान है, अब उसको सोशल मीडिया पर हम लोग खुल के नहीं कह सकते, लेकिन 6 तारीख को जो महाधरना रखा गया है उसमें आपको आना ही पड़ेगा। कसीम अली जी जुड़े हुए हैं, यशवंत यादव जी जुड़े हुए हैं, अब कुछ लोग इसी में नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। भाई तुम घर रह के ज्ञान दे सकते हो भाई, बट हम लोग संघर्षी लोग हैं, ठीक है। हम लोग BEd BTC वाले मुद्दे पे भी सब लोग यही कह रहे थे कि सरकार है, कोई कुछ नहीं होगा कह रहे थे ना, बट DLED वालों ने वो करके दिखाया। तो हम लोग अपना कर्म करने वालों में से, फल की चिंता हम लोग नहीं करते यार, ठीक है। जिनको ये लगता है कि यहाँ धरने में प्रशासन कुछ नहीं, प्रशासन यहाँ पे भाई की तरह
परिवार की तरह हम लोग के साथ बिहेव कर रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ के प्रशासन बैठी हुई है, हम लोग के यहाँ पे दरोगा जी हैं, चाहे कोतवाल सर आ रहे हैं, एक चाहे एसीपी सर आ रहे हैं पांडे जी सर, तो यहाँ पे पूरा सपोर्ट एकदम, कोई क्योंकि हम लोग का राजनीतिक धरना नहीं है भाई, ठीक है, हम लोग का राजनीतिक धरना नहीं है, और हम लोग पूरी ईमानदारी से सिर्फ एक लक्ष्य नहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और कोई भी यहाँ पे मुद्दा नहीं है। अमर राम प्रसाद भारती जी जुड़ चुके हैं, हम लोग आ रहे हैं 6 तारीख को, आप सबको आना अनिवार्य है, आइए, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम लोग की मेहनत ईमानदारी से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आप पूरा ये जो पत्थर गिरजाघर का फील्ड है ना, जिस प्रकार से उस दिन आपने भरा था, उसका 4 गुना भीड़ हमें चाहिए। तब अगर आप चाहते हो कि इलाहाबाद से हम शिक्षा मंत्री से मिल पाएँ, मुख्यमंत्री से मिल पाएँ, सूचना उन तक चली गई है, लेकिन अब 2 तारीख के बाद से कभी 10 लोग बैठ रहे हैं, कभी 20 लोग बैठ रहे हैं, तो इतने में अगर आप चाह रहे हो कि 20 लोगों की बदौलत आप 1 लाख भर्ती चाह रहे हो, तो भैया सरकार इतना मूर्ख नहीं है, सरकार संख्या बल देखती है, सरकार संख्या बल देखी, किसान का काला कानून भर्ती चाहिए, तो चुनाव आने वाला है, हमारे पास पर्याप्त समय 7-2, ठीक है, वीडियो को कैसे पहुँचाना है अन्य साथियों तक, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग के आईडी लगातार सरकार की तरफ से, जब से मैंने आंदोलन की, सॉरी साथियों नेटवर्क का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग के पास जो नेट है ना वो सीमित मिल रहा है, 2 GB, एक बार लाइव आने पे, 2 बार लाइव आने पे नेट ख़त्म हो जा रहा है, साथी जो आ रहे हैं उन्हें से कनेक्ट करा के काम चला रहे हैं हम लोग, किसी तरह हर चीज़ की समस्या है, मतलब लाइट तो यहाँ चली जा रही है, मोबाइल की चार्ज करने की समस्या, हर चीज़ किसी तरह सब कुछ मैनेज हो रहा है, क्योंकि साथियों आप जानते हो कि हम लोग का साधन एक ही है, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यही साधन है कि आप तक बातें हम लोग पहुँचा पा रहे हैं, इसलिए आप लोग भी घर रह के इतना तो जिम्मेदारी निभा ही दीजिएगा कि जो भी वीडियो आप लोग तक पहुँच रहा है, जो भी चीज़ें पेपर के माध्यम से पहुँच रही हैं, उनको एक सर्किल के माध्यम से अपने साथियों तक पहुँचाइए, क्योंकि कड़ी ऐसे ही बनती है, 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले ऐसे 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 करके आप करिए। आप चाहते हैं कि नहीं बिशु यादव ही एक एक लोगों को सेंड करें, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं, ये कड़ी ऐसे ही बनती है, और मैं इतना तो मुझे भरोसा है अपने संघर्ष पे कि सूचना आप लोगों तक पहुँच रही है, सारी सूचना आप लोगों तक पहुँच रही है, और मुझे भरोसा है कि आप लोग अगर मेरे संघर्ष पे, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जो भी मुझसे प्यार करते हैं, जो भी मुझे मानते हैं, आप लोग धरने में जरूर आओगे, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरी बहनें हो, और स्पेशली मैं इलाहाबाद की बहनों से कहूँगा कि आप आइए, जो भी यहाँ पे बहनें आ रही हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये मान के आ रही है कि यहाँ पर आपका सगा भाई यहाँ पर है, इतना ही भरोसा दे सकता हूँ कि जो भी बहनें यहाँ पर आएँगी, मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपका सगा भाई बिशु यादव रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके मान सम्मान सम्मान और अपना जो यहाँ पे निशेचक भर्ती की मांग है, हर चीज़ का रिस्पेक्ट करना, हर चीज़ की केयर करना, मैं हर चीज़ का ध्यान देता हूँ, एक यहाँ पे जो भी एक बहन आती है उसको अपना सगी, अपनी सगी बहन मान करके उसके साथ मैं उसका ध्यान रखता हूँ, हर चीज़ उसका सम्मान देता हूँ अपनी सगी बहन मान के, ठीक है। तो ये DLED परिवार यहाँ पे जो साथी आते हैं उनको अपना भाई मानता हूँ, जो बुजुर्ग लोग आते हैं अपना पिता तुल्य मानता हूँ, बहनें जो छात्राएं आती हैं उनको बहन अपना मानता हूँ, यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं आप उनसे बात करिए, यहाँ पे आने के बाद उनको घर की याद तो हम लोग नहीं आने देंगे, क्योंकि हम लोग यार मिल बाँट के खाते हैं, कुछ भी आता है साथियों पहले मैं अपने साथियों को खिलाता हूँ, अपने हाथ से बाँटता हूँ, अपने हाथ से साथियों में प्यार, ये एक प्यार है, ठीक है, और जब हम लोगों को सफलता मिलेगी ना तो यही हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, जब हम लोग कभी आगे चल के सफल होंगे, और सफल तो होना ही है यार, जब इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, पढ़ाई के साथ साथ जमीन स्तर भी लड़ रहे हैं, तो जब एक दिन आप लोग हम लोग सफल होंगे ना तो एक अलग ही उसकी खुशी होगी कि हाँ यार इसके लिए हम लोगों ने कितना, एक बार थोड़ा सा जो लोग लाइव जुड़े हैं ना तो उसको शेयर कर दीजिए, देखिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लोग जुड़े हैं, जो लोग सोए, मान लीजिए समय तो उचित नहीं है, 3 बज रहे हैं आप देख रहे हो मॉर्निंग के 3,
रात के तीन अपराध बोल सकते हो, मॉर्निंग तो भाई आप लोग के लिए होगी, हमारे लिए तो रात ही है ना, हम लोग तो रात भर जग रहे हैं आपके सामने ही। लाइव आने का सेंस ये होता है ना साथियों कि कुछ लोगों को यह लगता है कि नहीं रात में यहाँ पे कोई नहीं होता होगा, रात में कौन वहाँ पे फुटपाथ पे सो रहा है। देखिए फुटपाथ ही है साथियों, आप दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए ये सड़क ये फुटपाथ, उधर देखिए हम लोग का बैनर लगा है, क्योंकि वहाँ पे लाइट काट दी गई है तो अंधेरा है। मैंने लाइव में शुरू से में ही लाइट टॉर्च ऑन करके मोबाइल का आप लोगों से जो वहाँ साथी थे सबसे मैंने बात कराया, मेरा गला बैठा हुआ है फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं किसी तरह अपनी बातें रख दी जाए। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि अपने साथियों से ही वार्ता में कर लूँ। ठाकुर विकास सोलंकी भाई जुड़ चुके हैं, कीप इट अप विश्व यादव, थैंक यू विकास सोलंकी भाई। अमर राम प्रसाद भारती जी जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं कि हम 6 तारीख को आएंगे, स्वागत है दिल से। यशवंत कह रहे हैं कि मऊ जिले की धरती से धन्यवाद सभी को, थैंक यू भाई। आप लोग वीडियो को पहुंचा देना, इतना आप पे अपना हक मैं समझता हूं कि ये काम तो आप करोगे ही, हर व्हाट्सएप ग्रुप में हर टेलीग्राम ग्रुप में करिए, क्योंकि साथियों अगर ये कड़ी टूट गई ना, तो शायद कोई भी आगे हम लोग नेतृत्व करने में 2 बार सोच लेंगे, 10 बार सोचेंगे यार। जब इलाहाबाद में धरना करके यहाँ पे जबकि गढ़ है छात्रों का, यहाँ पे लोग नहीं आएंगे तो आगे चल के ना फिर हिम्मत एक बार नहीं, हम लोग आगे का सोच ही नहीं सकते और कहीं आंदोलन करने का। तो इसलिए पूरा मुझे भरोसा है 6 तारीख को आप लोग अपने भाई बिशु यादव का साथ देंगे, और ये भी भरोसा है कि इस वीडियो को आप सुबह अन्य साथियों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। कसीम अली जी जुड़ चुके हैं, ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और एक बार पुनः मैं कहूंगा कि आप साथियों तक पहुंचा देना, बताना कि हमारे भाई रात भर वहां पर कैसे जग रहे हैं, किस प्रकार से यहां पर संघर्ष हो रहा, कि कितना हम लोग कठिनाइयों का यहां पर सामना कर रहे हैं, ठीक है साथियों, बाय, गुड नाइट।